हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट एक्शन डे 1946। इफ़ यू वुड लाइक टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 16 अगस्त 1946 ये वो तारीख है जिस दिन बंगाल के शहर कलकत्ता को शमशान घाट में तब्दील कर दिया गया था। ये तारीख है इंडिया की हिस्ट्री के सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगे की। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बैकग्राउंड से, यानी ये दंगे क्यों हुए और किसने करवाए। मुस्लिम लीग ने साल 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें इन्होंने ये डिमांड की थी कि इंडिया के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ यानी नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को सेपरेट करके एक इंडिपेंडेंट स्टेट यानी पाकिस्तान बना देना चाहिए। साल 1946 जनवरी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस हुए। इन इलेक्शंस में मेन मुद्दा था पाकिस्तान। मुस्लिम लीग वोट मांग रही थी कि अगर पाकिस्तान चाहिए तो मुस्लिम लीग को वोट करो। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस वोट मांग रही थी अखंड भारत के लिए। यूनाइटेड इंडिया के टुकड़े टुकड़े होने से बचाना चाहते हो तो कांग्रेस को वोट करो। इन इलेक्शंस में टोटल 492 सीट्स मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व थी, जिनमें से 429 सीट्स यानी 87% ऑफ द सीट्स मुस्लिम लीग कैंडिडेट्स ने ही जीती थी। इससे दो चीज़ें साफ हो जाती हैं। पहली ये कि मुसलमान जो है वो मुस्लिम लीग को अपना सोल रिप्रेजेंटेटिव मानते थे, और दूसरी चीज़ ये भी साफ हो जाती है कि उस समय की मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इस बात से कन्विंस थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए। इसके बाद मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल ग्रुपिंग्स का कंसेप्ट दिया था, जहां पर कुछ प्रोविंसेस को सेक्शन ए का पार्ट बना दिया गया था, कुछ को सेक्शन बी का, और कुछ प्रोविंसेस को सेक्शन सी में डाला गया था। जिन्ना ने इनिशियली कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि जिन्ना को इस कैबिनेट मिशन प्लान में प्रोविंशियल ग्रुपिंग्स की फॉर्म में पाकिस्तान का मैप बनते हुए दिख रहा था। लेकिन कांग्रेस का कहना था कि प्रोविंशियल ग्रुपिंग्स कंपलसरी हो ही नहीं सकती है, और क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की संख्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज़्यादा होगी तो वो इसे अमेंड कर देंगे। कैबिनेट मिशन ने भी कांग्रेस की इस इंटरप्रिटेशन को सही बताया। जिन्ना को ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं था। जिन्ना चाहता था कि प्रोविंशियल ग्रुपिंग्स को कंपलसरी रहने देना चाहिए, बट कैबिनेट मिशन में ये पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मुस्लिम लीग ने फाइनली कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट किया था और 1946 इलेक्शंस में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, इसीलिए लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस को इनवाइट किया इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए। जिन्ना ने कहा कि इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस मुसलमानों को सप्रेस करने का काम कर रहे हैं, और इसके विरोध में जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन यानी सीधी कार्रवाई का ऑर्डर दे दिया। इसकी चेतावनी जिन्ना ने जुलाई 1946 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहले ही दे दी थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बॉम्बे में अपने घर से की थी, जहां उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें सेपरेट स्टेट पाकिस्तान नहीं दिया गया तो वो डायरेक्ट एक्शन लॉन्च कर देंगे। डायरेक्ट एक्शन अनाउंस करने के पीछे मुस्लिम लीग का मकसद था ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये दिखाना कि पाकिस्तान पाने के लिए मुस्लिम्स किस हद तक जा सकते हैं। द स्टार ऑफ इंडिया उस समय कलकत्ता का एक सबसे बड़ा मुस्लिम न्यूज़पेपर था, जिसके ओनर मुस्लिम लीग के ही एक MLA थे। इस अखबार में डायरेक्ट एक्शन का पूरे दिन का डिटेल प्रोग्राम पब्लिश किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ पाए। बंगाल के चीफ मिनिस्टर HS सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन के दौरान पुलिस को छुट्टी पर भेज दिया। एक्चुअली उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की ही सरकार थी, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर HS सोहरावर्दी मुस्लिम लीग के अपने आदमी थे। इनफैक्ट सोहरावर्दी खुद मुसलमानों को भड़काने में सबसे आगे थे। 16 अगस्त की सुबह से ही माहौल टेंस था। दुकानों को जबरदस्ती बंद कर दिया गया था। इस तनाव के माहौल में जगह जगह से लड़ाई झगड़ों की खबरें आने लगी और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। कलकत्ता के राजा बाजार, केला बागान, कॉलेज स्ट्रीट, हैरिसन रोड और बुर्रा बाजार में डायरेक्ट एक्शन का सबसे ज्यादा असर दिख रहा था। ये सब हिंदू मेजोरिटी एरियाज थे। ओरिजिनल प्रोग्राम के हिसाब से कलकत्ता के अलग अलग जगह जैसे हावड़ा, हुगली, मेतियाबुरुज और 24 परगना पर लोग इकट्ठा हुए और जुलूस निकालते हुए 12 बजे तक ऑस्ट्रोलॉमी मॉन्यूमेंट पहुंचे। ऑस्ट्रोलॉमी मॉन्यूमेंट को अभी शहीद मीनार कहा जाता है। उसके बाद ठीक 12 बजे मुस्लिम लीग ने ऑस्ट्रोलॉमी मॉन्यूमेंट से अपनी रैली शुरू की। इतनी संख्या में लोग इस रैली से जुड़े कि कहा जाता है कि उस समय की बंगाल की यह सबसे बड़ी मुस्लिम रैली थी। मुस्लिम लीग ने एटलीस्ट 3-4 पार्टी वर्कर्स हर एक मस्जिद पर तैनात किए हुए थे, ताकि जब भी वहाँ पर लोग अपनी प्रेयर्स ऑफर करने के लिए आए तो उन्हें अटैक करने के लिए उकसाया जाए और मुस्लिम लीग का एक्शन प्लान अच्छे से समझा दिया जाए। इसके बाद लोग चार्ज अप होकर अपने हथियारों को लेकर, लाठी बर्छी जो उनके हाथ में आया वो सब लेकर 2 बजे तक इकट्ठा हुए। स्टार ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के हिसाब से अराउंड 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, जहां पर ख्वाजा नजीमुद्दीन और सोहरावर्दी ने अपनी फियरी स्पीचेस से लोगों को और ज़्यादा भड़का दिया।
और इसी के साथ कम्युनल राइट्स शुरू हो गए। अगले 72 घंटों में 6,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, 20,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए और 1,00,000 से भी ज़्यादा लोग बेघर हो गए। इसी इवेंट को द ग्रेट कैलकटा किलिंग भी कहा जाता है और इसी ग्रेट कैलकटा किलिंग के दौरान 17 अगस्त को केशोराम कैलकटा मिल्स में काम करने वाले 300 उरिया मजदूर जो लिच्छू बगान मेतिया ब्रूस की झुग्गियों में रहते थे उन्हें घरों से निकाल निकाल कर काट डाला गया और जिंदा जला दिया गया। 16 अगस्त को शुरू हुआ ये कम्युनल वायलेंस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर 21 अगस्त को बंगाल में वाइसरॉय रूल लगा दिया गया। ब्रिटिश ट्रूप्स की 5 बटालियंस और साथ में 4 इंडियन गोरखा बटालियंस डिप्लॉय की गई और फाइनली 22 अगस्त तक ये दंगे शांत हुए। हालांकि ये दंगे कलकत्ता के बाद नौखली, बिहार, गढ़मुक्तेश्वर और रावलपिंडी में भी हुए। इसके बाद वाइसरॉय लॉर्ड वेबल ने गवर्नर बंगाल सर फ्रेडरिक बोरोस से इसकी डिटेल रिपोर्ट मांगी। इस पूरी घटना के दौरान कोई भी एक्शन न लेने के लिए सर फ्रेडरिक बोरोस को काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। इस वीडियो के नोट्स bookstava.com वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। bookstava चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इंडिया के आज़ाद होने तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए bookstava चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग bookstava।